बसमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की स्पाइसी आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और यमी। दो दिन मैंने रेसिपी नहीं डाली, उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ, क्योंकि मुझे बुखार हुआ हुआ था और उसकी वजह से मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी रेसिपी, और आपके साथ मैं दो दिन की दूरी रही, तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। अब मैं बना रही हूँ आज गोभी, बहुत ही टेस्टी और यमी गोभी गोश्त की स्पाइसी सी। सर्दियाँ हल्की हल्की सी शुरू हो गई हैं, तो ये जो बुखार है, नज़ला है, खांसी ज़ुकाम है, ये जान नहीं छोड़ रहे। तो अल्लाह पाक आप सब लोगों को सेहत तंदुरुस्ती दे, साथ साथ मुझे भी, ताकि मैं आपके साथ रोज़ाना नई नई मज़ेदार किस्म की रेसिपी शेयर कर सकूँ। प्याज ले लिया है मैंने 2 अदद, लहसुन छिला हुआ लिया है, और इसको हमने अच्छे से गोल्डन करके और प्यारी सी हांडी के अंदर से गोल्डन करके इसको निकाल लेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। गोभी लिए 1 किलो, गोश्त लिया है मैंने 1 किलो, बराबर का रख के बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यमी गोभी। प्याज और लहसुन को हल्का सा हमने करकरा कर लेना है और इसको हमने निकाल लेना है, ठीक है, इसको हमने निकाल लेना है। लहसुन मैंने निकाल लिया है और इसके अंदर चिकन डाल देंगे 1 किलो, इसके अंदर और चिकन को हमें अच्छे से गोल्डन कर देंगे। इससे पहले जो मेरे चैनल पर नहीं है, मेरे प्यारे भाई, मेरे फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल देखने वाले, जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से मोबाइल उठाएं और मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। बहुत शुक्रिया। हमारा गोल्डन हो चुका है और इसके अंदर मिक्सी ग्राइंडर में किया हुआ हमने लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल देंगे। गरम मिर्च चली जाएगी 1 टीस्पून, साबुत गरम मसाला चला जाएगा 1 टीस्पून, नमक चला जाएगा 1 टीस्पून भर के, हल्दी पाउडर चला जाएगा 1 टीस्पून भर के। कश्मीरी लाल मिर्च चली जाएगी 1/2 टीस्पून, मैंने इसके अंदर टमाटर डाल देने, 4 अदद मैंने टमाटर बड़े ले लिए और वो 4 अदद टमाटर डाल दिए और इसको हम मिक्स करेंगे, और साथ ही इसमें मैंने कटी हुई गोभी डाल देंगे, ठीक है। चिकन थोड़ा सा कुक हो चुका है और थोड़ा सा अभी गोभी के साथ हो जाएगा, तो इसमें गोभी डाल देंगे हम। गोभी के अंदर मैंने बारीक कटा हुआ अदरक भी डाला हुआ है, 1 इंच का पीस लिया था, वो मैंने गोभी में कटा हुआ डाल दिया, ठीक है। ये हमने इसके अंदर गोभी डाल, जबरदस्त किस्म का कलर आया है, गोभी भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये इसको हम दम पे लगाएंगे 10 मिनट के लिए, पानी कोई नहीं हमने लगाना, बस ऐसे ही दम पे रखेंगे स्लो फ्लेम पे। ज़बरदस्त हो चुकी है, इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही है। इसके अंदर हमने डालना है 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर, जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है, भर के हम डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करेंगे। हमने ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना, ग्रेवी वाली हमने बनानी है, और जैसे ही हम फ्लेम से इसको उतारेंगे और फ्लेम को ऑफ करेंगे तो इसके अंदर घी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्लो कर देते हैं फ्लेम को। ये देखिए मसाले ने जो है घी छोड़ दिया हुआ है और घी निकलना शुरू हो गया है, इतनी टेस्टी बनती है ना ये, एक दफ़ा बनाएंगे बार बार आप बना के इसको खाएंगे। ये देखिए हरा धनिया साथ ही इसमें डाल दूंगी मैं। मज़ेदार किस्म की गोभी गोश्त इतना टेस्टी, इतना यमी, इतना मज़ेदार बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं हांडी को टेबल पे अपने ले जाऊंगी और हम सब मिलके इसमें खाएंगे, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो फ्रेंड्स फिर जल्दी जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर लें ऑन, ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। बहुत शुक्रिया।